सिक्स स्टेप्स टू डेवलप विनिंग डिजिटल मार्केटिंग पेड कैंपेन्स। बहुत सारे लोग है ना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर में देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको एक प्रूवन स्टेप्स नहीं पता कि कोई भी कैंपेन करने से पहले ये स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि अरे यार सर बोलते सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं, कंफ्यूज रह रहे हैं कि मैं कैंपेन तो कर दूंगा पैसे मैं डाल दूंगा और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं, ये सारे जो कन्फ्यूजन्स है ना, जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स फेस होंगी क्या होगा आगे, ये सारे कन्फ्यूजन्स मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। जो भी डिजिटल मार्केटर है इस वीडियो को सेव करके रखिए और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये जो सिक्स स्टेप प्रोसेस है ये प्रोसेस को जरूर जरूर फॉलो करना है। ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो आप तो हमेशा आप कंफ्यूज ही रहोगे, आपको पेड कैंपेन आपको करते नहीं आएंगे। तो चलते हैं सिक्स स्टेप्स के ऊपर। पहला स्टेप है बिजनेस क्लियरिटी। अभी आप पेड कैंपेन करना चाहते हो और आपको आपका बिजनेस ऊपर ऊपर से पता है, ऊपर ऊपर से पता हो कि आपको कैंपेन में सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्ट कैंपेन रन करना है, तो उसका लगता है बिजनेस प्रिपरेशन। देखो बिजनेस प्रिपरेशन करते ही नहीं है आप डायरेक्टली क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हो उस बिजनेस के बारे में और कैंपेन रन करना चालू कर देते हो, ये गलत स्ट्रेटेजी है। आपको पहला स्टेप जरूर समझना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज का प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, हाई लेवल पे आ रहा है, मीडियम लेवल पे आ रहा है, लो लेवल पे आ रहा है। आपके जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो मार्केट में आपसे ज्यादा, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा है, उससे सेम है या नीचे है, ये भी आपको पता चाहिए। क्यों पता चाहिए? क्योंकि आपका ऑडियंस को आपको टारगेट करना होता है, आपको प्रोडक्ट्स और आपके सर्विसेज का प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी आपको पता चाहिए। आपका आइडियल कस्टमर तभी जाके आपको समझ में आएगा कि जब आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा, तो डेफिनेटली आपको आपका ऑडियंस पता चाहिए, आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, लो सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको पता चाहिए। देखो क्या होता है ना, मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं, ना टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पता है, ना आपका कॉम्पिटिटर पता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूएसपी क्या है, आप क्या नाम से जाना जा रहे हो मार्केट में, आपका Why क्यों लोग आपसे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेंगे, Why choosers भी पता नहीं आपको, आपको आपको यूएसपी नहीं पता, आपको आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में नहीं पता, आपको आपके आइडियल कस्टमर की नहीं पता, आपके आपके कॉम्पिटिटर नहीं पता और हम कैंपेन रन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भैया। आपको पूरा डिटेल में आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ जान लीजिए। मैंने लिस्ट दी है, ये पॉइंट्स दिए, ये सारे पॉइंट्स आप फिल करो, डायरी पेन लो, ये सारे पॉइंट्स को फिल करो। जब आपको आपका बिजनेस जब क्लियर होता है, देखो एग्जाम में जाते हो ना तो पहले प्रिपरेशन करके जाते हैं, आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे तो क्या होगा, फेल होने के चांसेस बढ़ेंगे, और आपको टॉपर बनना है, आपको हाई विनिंग विनिंग कैंपेन रन करना है, आपको हाई परफॉर्मिंग कैंपेन रन करना है, तो आपको प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बिजनेस का पहला स्टेप, बिजनेस क्लियरिटी। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर बिजनेस को अच्छे से डेप्थ में समझ ही नहीं रहे और कैंपेन रन कर रहे, तो बोलते मुझे कैंपेन नहीं रन करते आ रहा, अरे कैसे आएगा भैया, तेरे को तो बिजनेस ही नहीं पता। सेकंड स्टेप ऑडियंस प्रिपरेशन। देखो अभी आपको आपका बिजनेस पता चल गया है तो अभी ऑडियंस भी पता होना चाहिए। ऑडियंस में आपका ऑडियंस पर्सोना, आपका जो कस्टमर है वो कौन है, उसका एज ग्रुप को क्या है, वो स्टूडेंट है, प्रोफेशनल्स है, बिजनेस ओनर है, एग्जैक्टली डॉक्टर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या एग्जैक्टली वो कौन है, कौन से एज ग्रुप में आता है, कहाँ पे रहता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका बिहेवियर है, कुछ भी नहीं पता और कैंपेन रन करेंगे, क्या होगा प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकेंड स्टेप ऑडियंस को जानिए, तो पूरा ऑडियंस पर्सोना, ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स सारे पॉइंट्स आपको पता चाहिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड स्टेप कंटेंट प्रिपरेशन। देखो कंटेंट इज किंग, कंटेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर कंटेंट क्या दिखाऊं कस्टमर्स को, क्या मैसेज दिखाऊं कस्टमर को, कंटेंट जस्ट चैट जीपीटी से इधर से उधर से ले रहे हैं और बेसिक फीचर्स वगैरह दिखा के कंटेंट बना रहे हैं और बोलते हैं रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अरे नहीं आएंगे रिजल्ट्स। कंटेंट प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटेंट इज किंग बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। कंटेंट में क्या करना है आपको बता देता हूँ, आपके प्रोडक्ट्स जो है, आपके सर्विसेज, आपका जो कस्टमर है उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब नहीं लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में सीख लो, आपको 100% जॉब असिस्टेंट मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रहा हूँ। आप भाड़े में घर पे रहते हो, अरे हमारा हमारा जो है फ्लैट्स खरीदो और भाड़े से छुटकारा पाओ,
अरे ऐसे प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने पड़ेंगे, आपके कस्टमर्स को क्या फेस हो रहा है और आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आप डिजिटल, आप बिजनेस, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बंद करो, डिजिटल मार्केटिंग से आपका ये स्टेप्स फॉलो करो, डिजिटल मार्केटिंग से आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। अरे आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये जरूरी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बहुत बार क्या हो रहा है ना, डिजिटल मार्केटर फीचर डाल दे रहा है एड में, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग, हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, हमारा ये ट्रेनिंग होता है, हमारा ऐसे ट्रेनिंग होता है। अरे ये नहीं चाहिए मुझे, हमारा प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करके मिलेगा वो बताओ। सेकंड, डिमांड क्या सप्लाई हो रहा है। अभी कस्टमर का डिमांड ही आपको पता नहीं और आप एड रन कर रहे हो, कैसे चलेगा भैया। एड रन करने से पहले आपको डिमांड देखना है कस्टमर का, कि डिमांड क्या कर रहा है। कस्टमर को ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए, और आपका प्रोडक्ट कैसे उसको सप्लाई कर रहा है। तो डिमांड सोचिए, देखिए आपके कस्टमर्स की, मार्केट की, और आपके एड में ऐसा दिखना चाहिए कि ये सप्लाई हो रहा है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों का डिमांड है इस एरिया में फ्लैट खरीदना है, मुझे कनेक्टिविटी फास्ट चाहिए, ये उसकी डिमांड है। तो मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विसेज उसको सॉल्व कर रहा है। अभी समर सीजन है, क्या डिमांड है अभी की, अभी के लोगों को ठंडा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठंडा बोले तो कोको कोला टेस्ट द थंडर, अमूल का आइसक्रीम। तो डेफिनेटली आज को डिमांड देखना है आपके कस्टमर्स का, अभी के सीजन में, अभी के टाइम में क्या आ रहा है और आपके प्रोडक्ट कैसे सप्लाई हो रहा है। जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी एग्जाम होने के बाद 2 से 3 महीना उनके टाइम लगेगा उनको नेक्स्ट कॉलेजेस में जाने के लिए। तो डेफिनेटली उस टाइम में पेरेंट्स का डिमांड होता है कि बच्चे बिगड़े ना। तो डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो भैया, आपका बच्चा डिजिटली अडॉप्ट भी हो जाएगा, डिजिटली सिक्योर भी हो जाएगा, और डिजिटली पैसे भी कुछ उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली कुछ डिमांड होता है मार्केट में, और आपका प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज कैसे उसको सप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में कंटेंट बनाओ। इससे क्या होगा, लोग उसको पसंद करेंगे। आज क्या हो रहा है, बस ऐसे कुछ फालतू कंटेंट बना दे रहे हो, छोटा बेसिक कंटेंट बना रहे हो और चला रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप आपके कस्टमर का कौन सा गोल है जो अचीव करने में आप उनको हेल्प कर रहे हो, क्या ऐसा ऑफर कर रहे हो सर्विसेज में कि उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स को आप अचीव करने में हेल्प कर रहे हो, इसके बारे में कंटेंट बनाइए। देखो कंटेंट बहुत जरूरी है। 34 स्टेप है कॉम्पिटिटर रिसर्च एंड एनालिसिस। अभी क्या होता है ना, मैं एड रन कर रहा हूँ, मैं एड रन करना चाहता हूँ या मैं कैंपेनिंग करना चाहता हूँ, मुझे कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता ही नहीं है और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है वो भी पता नहीं है, तो कैसे चलेगा भैया। तो आज के दिन आपके कॉम्पिटिटर कैसे ऐड चला रहा है, आपको फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में पता चल जाता है कि कॉम्पिटिटर ऐड कैसे चल रहा है, गूगल ट्रांसफर से पता चल जाता है उन्होंने ऐड कौन सी चलाई है, देख सब कुछ पता चल जाता है आज की ऐड में कंटेंट जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो टॉप के कॉम्पिटिटर्स वो कैसे ऐड चला रहे हैं, इमेज ऐड चला रहे हैं, वीडियो ऐड चला रहे हैं, कंटेंट में क्या डाल रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट का कैसे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वीडियो में ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्या, इमेजेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्या, कोरोजल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। करती नहीं है कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस किया नहीं है और बोलते हो एड रन करना है, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे हमेशा आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो डेफिनेटली आपको समझना जरूरी है कॉम्पिटिटर्स को, क्या कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां स्टेप है डिजाइन प्रिपरेशन। अभी आपके पहले 4 स्टेप्स क्लियर हो गए, बिजनेस समझ में आ गया, आपको आपका ऑडियंस समझ में आ गया, आपको कंटेंट में क्या डालना है वो समझ में आया, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, कैसे एड रन कर रहा है वो समझ में आया, अभी आपका एड बनना स्टार्ट होगा। अभी आपका जो इमेज ग्राफिक्स हो या वीडियो, खुद बार क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटर सिंपल इमेज बना रहा है कैनवा पे और एड चला रहा है, अभी कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप आपके कॉम्पिटिटर्स के देखो कितने अच्छे अच्छे बनाए, और आप अच्छा सिंपल वाला बनाएंगे तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस वीडियो कंटेंट में फोकस करना है। हो आप मल्टीपल एड कॉपीज बना सकते हो, एक इसमें वीडियो बनाओ, एक इसमें इमेज बनाओ, एक इसमें कैरोसेल बनाओ, एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड भी बना सकते हो, एक इसमें वीडियो, लेकिन बनाने में टाइम नहीं है ना सर, वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो में बहुत टाइम जाएगा, रिजल्ट्स भी टाइम जब जाएगा तो रिजल्ट्स भी इतना ज्यादा चाहिए ना, आपको अच्छे कैंपेन रन करने हैं ना, हाई परफॉर्मिंग कैंपेन रन करने हैं ना, तो वीडियो कंटेंट पे सबसे ज्यादा फोकस जरूर करना है आपको। आपको स्क्रिप्ट बनाना है, आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है खुद का, बैकग्राउंड में आपके इफेक्ट्स दिखाना है, ट्रांजिशंस दिखाना है, टेम्पलेट्स लाना है, और बहुत ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम आपको जो करना है वो आपके कंटेंट में, आपके एडिटिंग में, आपके डिजाइन में, सबसे ज्यादा ये काम होता है। तो डेफिनेटली 80% जो टाइम होता है ये पूरे प्रोसेस में आपके एड बनाने में जाता है। देखो एड बनाने में आप टाइम खर्चा नहीं करेंगे, कंजूसी करेंगे तो रिजल्ट्स भी
कम ही मिलेंगे। तो डेफिनेटली एड बनाने में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड आज एजेंसी करती है, बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, और उसके वजह से उनके ब्रांड्स बहुत लोगों तक रीच होते हैं। तो आपको भी आपके एडिटिंग में, आपके ग्राफिक्स में, आपके क्रिएटिव में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। एड हो गई, अभी इसके बाद है लैंडिंग पेज। देखो डिजाइन में डिजाइन और लैंडिंग पेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लैंडिंग पेज है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट लोड होना चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन उसमें होना चाहिए, फॉर्म अच्छे से होना चाहिए, आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। देखो लैंडिंग पेज आपका उस पर इग्नोर करेंगे ना तो आप पूरे कैंपेन करो, कितना भी पैसा खर्च करो सारा वेस्ट जाएगा। तो आपको लैंडिंग पेज का स्पीड, रिलीवेंसी, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, इसके लिए एक टूल बता रहा हूँ, पिंगडम टूल लिख लो। इस टूल में आप स्पीड चेक कर सकते हो, जीटी मैट्रिक्स, गूगल माई स्पीच इनसाइट, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, वहां पे आप चेक कर सकते हो क्या स्पीड चल रहा है आपकी वेबसाइट का। तो वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना होता है। डिजाइन एंड लैंडिंग पेज डिजाइन, ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप्स है डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में पेड कैंपेन रन करने के लिए। लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। अभी आपको आपका बिजनेस पता है, आपको आपका ऑडियंस पता है, आपको आपका कंटेंट पता है, आप आपका कंप्यूटर आपको पता है, आप आपका आपको डिजाइन भी आपका रेडी है, तब जाके होता है कैंपेन क्रिएट करना। बहुत बार डिजिटल मार्केटर पहले कैंपेन रन कर देते हैं और बोलते हैं मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। अरे भाई पहले कैसे करेंगे, पहले चार स्टेप पांच स्टेप फॉलो ही नहीं किए, पहले पांच स्टेप फॉलो नहीं कर रहे होंगे और डायरेक्टली कैंपेन रन करते होंगे। चले जाओ मत करो, आपके पैसे वेस्ट मत करो। आपको कैंपेन अच्छे से सक्सेसफुली रन करना है तो पहले पांच स्टेप्स अच्छे से नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, छठवां स्टेप नहीं आएगा। कैंपेन एग्जीक्यूशन कौन सा स्टेप है, सबसे लास्ट वाला स्टेप है। उसमें आपको फिर आपका गोल डिसाइड करना है, आपको उसमें ऑडियंस सेट करनी है, वहां पे आपको बजट सेट करना है, वहां पे आपको आपका जो क्रिएटिव वीडियो जो बना है वहां पे वो डालना है, वो सब कुछ एग्जीक्यूशन एंड देन इवैल्यूएशन। फिर वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो वापस से देख के उसको इंप्रूव करके वापस से उसमें सेट करना है। लेकिन पहले पांच स्टेप किए नहीं और डायरेक्टली स्टेप्स में मीन्स एग्जाम में चले गए विदाउट एनी प्रिपरेशन, मार्क कम ही मिलेंगे और रिजल्ट्स कम ही रहेंगे। तो पांच जो लास्ट का स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन। जैसे एड मैनेजर पे आपको पूरे ये कैंपेन रन करना, गूगल एड्स में सारे कैंपेन रन करना, कैंपेन्स ये लास्ट की स्टेप है, सबसे लास्ट की स्टेप है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, सर लास्ट का स्टेप ही डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, पहले पांच स्टेज में डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ। अरे स्किप करोगे पहले पांच स्टेप्स तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भैया। इसलिए पहले पांच स्टेप्स को इतना ज्यादा फोकस करिए, इतना ज्यादा फोकस करिए। लास्ट स्टेज जो होती है वो बहुत इजी होती है, कैंपेन को एग्जीक्यूट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और कॉन्फिडेंस तो आपका चरम, जब एग्जाम में जाते हो पढ़ाई करके फट आंसर लिख लोगे। इसलिए जब भी आप कैंपेन करो, पैसे दे रहे हो आप फेसबुक को, गूगल एड्स को पैसे दे रहे हो, उनको अमीर मत बनाइए, पूरा प्रिपरेशन करिए, पहले पांच स्टेप पूरा प्रिपेयर करके ही आप कैंपेन रन करिए। डेफिनेटली तभी जाके आप अच्छे विनिंग कैंपेन आप रन कर पाएंगे। और यही प्रोसेस सारे ब्रांड्स फॉलो करते हैं, तो आपको भी यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ कंजूसी नहीं करना शेयर करने में, शेयर कर दो, कमेंट्स लिखो, आपको और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप कमेंट में लिखो, और सब्सक्राइब का बटन तो जरूर जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।